पुर्तगाल और स्पेन ने समुद्र पर कब्जा क्यों और कैसे शुरू किया, यह हम अपने पिछले महीने के वीडियो ईस्ट इंडिया कंपनीज में देख ही चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि पुर्तगाल और स्पेन के आने से यहाँ हिंद महासागर में और चीन के आसपास कुल मिलाकर ओरिएंट में क्या क्या परिवर्तन हुए। बात शुरू करने से पहले ये याद कर लेना ठीक होगा कि उस समय ईसाई और मुस्लिम जगत के बीच लगातार झगड़ा चल ही रहा था, मरण मारण का झगड़ा। ऐसे में कट्टर पंथ का फलना और फूलना बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं कहा जा सकता। उस समय मुस्लिम जगत में थे ओटोमन सुल्तान, फारस का सफवी साम्राज्य और भारत की सल्तनतें जो समुन्द्र से लगी हुई थी, बंगाल, गुजरात, मालवा, खानदेश और दक्खन की सल्तनतें, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार। उसके अलावा दक्षिण भारत का महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर भी था जो इन सल्तनतों से टक्कर लेता रहता था, तो स्वाभाविक था विजयनगर का पुर्तगालियों से मेलजोल। उत्तर भारत में लोदी और मध्य भारत में राजपूत राजा राज करते थे और पंजाब के पार मुगल आंख गड़ाए बैठे हुए थे। जब कोलंबस ने वेस्ट इंडीज ढूंढा तो ये मालूम हो गया कि एक नई दुनिया ढूंढ ली गई है। तो सन 1494 में तोर दे सिलास की संधि हुई और 1529 में सारागोसा की संधि। इन दो संधियों के तहत दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल ने आपस में बांट लिया। इन दो संधियों को हम अपने आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे, जब एज ऑफ डिस्कवरी पर बात करेंगे तब। तो इन दो संधियों का परिणाम ये हुआ कि 1530 आते आते दुनिया को दो देशों के प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया गया, ये हिस्सा स्पेन का और ये हिस्सा पुर्तगाल का। इसका मतलब ओरिएंट के अधिकांश भाग पर पुर्तगाल का ही दबदबा रहने वाला था, जबकि ऑक्सीडेंट में यानी पश्चिम में अधिकांश हिस्सा स्पेन के हाथ में था और पुर्तगाल को ब्राजील मिल गया, जिसकी वजह से उसे भारत में या ओरिएंट पे जमीन के लिए लड़ाई मूर्खता लगने लगी। उसका ओरिएंट में केवल एक ही उद्देश्य था और वो था समुद्रों पर कब्जा, समुद्री व्यापार पर कब्जा। दूसरी तरफ स्पेन को फिलीपींस मिल गया, जिसे वो स्पेनिश ईस्ट इंडीज कहते थे। तो ओरिएंट में स्पेनिश ईस्ट इंडीज तक ही स्पेन का प्रभाव रहने वाला था। केप ऑफ गुड होप हमेशा ही तुर्क और अरब व्यापारियों की पहुंच से दूर रहा और इसका फल ये हुआ कि पुर्तगालियों के हिंद महासागर में आने का रास्ता सदा खुला ही रहा और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के सारे व्यापार को हथिया लिया। मोटे तौर पर वास्कोडी गामा के भारत पहुंचने से लगभग 50 साल के भीतर, वास्कोडी गामा सन 1498 में भारत पहुंचा था, तो 1550 आते आते हिंद महासागर का व्यापार पुर्तगालियों के हाथ में चला गया। सन 1510 में गोवा बीजापुर की सल्तनत से छीनकर पुर्तगालियों ने अपने नाम कर लिया। इसी तरह से मुंबई, वसई, दमन और दीव गुजरात सल्तनत से छीन लिए गए। यही नहीं, 1537 में गुजरात सुल्तान बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने मार भी डाला। भारत की कम से कम एक सल्तनत को हिलाने में पुर्तगालियों को कामयाबी तो मिली ही। ये गुजरात सुल्तान तुर्की के ओटोमन सुल्तान के खासम खास चमचे थे, तो ओटोमन सुल्तान के हिंद महासागर के तारों को काटने में भी पुर्तगालियों को मदद मिली। तो 1550 आते आते पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव वगैरह पर कब्जा कर लिया। इस सदी में हिंद महासागर की जिन तीन जगहों पर पुर्तगालियों की सल्तनतों से सबसे ज्यादा छीना झपटी हुई वो थी हुर्मुज, मस्कत और दीव। पुर्तगालियों का मुस्लिम सल्तनतों के प्रति इस रवैये का भारत पर कई तरह से असर पड़ा। एक तो इतना अप्रत्याशित था कि सोचा भी नहीं जा सकता। विजयनगर साम्राज्य किसी तरह से दक्खन की सल्तनतों को अलग अलग करके दबाव में रखने में कामयाब रहा, लेकिन पुर्तगालियों के इस सल्तनत विरोधी रवैये से और समुद्र में सल्तनतों को पूरी तरह से हराने की वजह से दक्खन सल्तनतों में एकता का भाव जागा और नुकसान भुगता विजयनगर ने तालीकोटा की युद्ध में। इस युद्ध में हारे हुए विजयनगर की तबाही इतनी खौफनाक थी कि मुस्लिम सल्तनत विजय की विध्वंस लीला की सबसे बुरी यादों में से एक बन गई। तो पुर्तगालियों के ओरिएंट में आने का एक असर हमने देख लिया,
मुस्लिम समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का कब्जा। स्पेन को तो अमेरिका लॉटरी खुलने जैसा मालूम हुआ और उसने अमेरिका में जहां चाहा वहां अपना झंडा गाड़ा। मध्य अमेरिका तो पूरा का पूरा स्पेन ने हथिया लिया, उसके अलावा जितना उसके बस में था उतना अपने कब्जे में कर लिया। ये एक नई दुनिया थी, नए किस्म के लोग, नए किस्म के जानवर और नए किस्म के पेड़ पौधे, और सबसे खास बात नए किस्म के फल और सब्जियां जो अभी तक बाकी दुनिया के लिए अनजान थी। ये फसलें थी मिर्ची, आलू, टमाटर, मक्का, रबर, कोको, तंबाकू। मिर्च आलू टमाटर के बिना हमारा खाना कैसा होता, जरा सोच के देखिए। आज मंडी में जाकर अगर हमें मक्का, मिर्ची, टमाटर या आलू नहीं दिखे तो कैसा लगेगा। तो इस तरह से स्पेन से पुर्तगाल और पुर्तगालियों के मार्फत भारत में ये मिर्ची, आलू, टमाटर, मक्का, तंबाकू वगैरह आए। पुर्तगालियों से पहले भारत में टमाटर या आलू का नाम भी नहीं मालूम था। आपके खाने पीने पर पुर्तगालियों का कितना बड़ा एहसान है ये आप खुद ही देख लीजिए। अब एक सवाल का जवाब आप ढूंढकर देखिए। इंग्लिश में आलू को कहते हैं पोटैटो, महाराष्ट्र में बटाटा और हिंदी में आलू। ये तीन नाम कैसे आए एक साथ आने वाली एक ही फसल के, ये आप जरा ढूंढिएगा। आगे चलते हैं। एक और प्रभाव था पुर्तगालियों का ओरिएंट पर, और वो था ईसाई मिशनरियों का। जहां जहां पुर्तगालियों का अस्तित्व रहा वहां वहां ईसाई मिशनरियों का वर्चस्व भी रहा। चूंकि पुर्तगाल एक रोमन कैथोलिक देश था, उस जमाने में पुर्तगाल से जो मिशनरी आए वो भी कैथोलिक ही थे, और इनका कट्टर होना क्यों जरूरी था ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह भारत के पश्चिम तट पर श्रीलंका, मालाबार और कोंकण में कैथोलिक ईसाई मिशनरियों का प्रभाव आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। इस तरह से पुर्तगाल के ओरिएंट पर प्रभाव के चार बड़े परिणाम बताए जा सकते हैं। एक, समुद्रों पर कब्जा और मुस्लिम व्यापारियों की समंदर में आजादी का लगभग खात्मा। नंबर दो, आलू, टमाटर, मक्के जैसी नई नई फसलों का भारत में आना। नंबर तीन, कैथोलिक ईसाई मिशनरियों का भारत के पश्चिमी तट पर प्रभाव। और चौथा, जो अब तक हमने नहीं देखा, वो था विकसित यूरोपीय हथियारों का भारत में आना, खास करके बंदूकें, तोपें और विकसित गोला बारूद। जब सन 1600 में अंग्रेजों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसके पीछे पीछे नकल मारकर डच, फ्रेंच और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनीज भी बन गईं, तो पुर्तगाल ने भी अपने व्यापार को व्यवस्थित करते हुए सन 1628 में पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कंपनी पुर्तगाल के राजा फिलिप तीसरे के आदेश पर बनी। इस कंपनी को इन चीजों पर एकाधिकार दिया गया था, काली मिर्च, दालचीनी, एबोनी लकड़ी, कौड़ी और मूंगा। लेकिन ये कंपनी 5 साल के भीतर ही खत्म हो गई और व्यापार वापस से पुर्तगाली सरकार के हाथ में आ गया। इस पूरी 100 साल की कवायद में स्पेन और पुर्तगाल ने इंडोनेशिया और मलेशिया की सल्तनतों को दबोचे रखा। लेकिन अब पुर्तगाल का पूरब के मतलब ओरिएंट के समुद्रों पर 100 साल का दबदबा खत्म होने चला था। अंग्रेज और डच व्यापारियों के ओरिएंट में घुसते ही पुर्तगाल के समुद्री राज का पासा ही पलट गया। सन 1612 में पुर्तगाल को अंग्रेजों ने सुवाली के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और भारत और यूरोप के बीच व्यापार में पुर्तगाल का विकल्प खोल दिया, जिसमें डच भी आ मिले। मुंबई 1661 में अंग्रेजों को दहेज में दे दिया गया और 1660 आते आते डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पूरब के समुद्रों से बाहर ही कर दिया। रह गए भारत में कुछ गिने चुने उपनिवेश, तिमोर और मकाऊ। सन 1739 और 40 के दरमियान मराठा पेशवा बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी ने वसई और चौल पुर्तगालियों से छीन लिए। लेकिन सन 1779 में एक ऐसी स्थिति आई कि मराठों ने पुर्तगालियों को दादरा नगर हवेली दे दी। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने पर 1954 में दादरा नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया और 1961 में गोवा, दमन और दीव को ताकत दिखाते हुए भारत ने अपने अंदर मिला लिया।
फिर 1975 में पुर्तगाल ने अपने सारे उपनिवेश छोड़ दिए, जिसमें पूर्वी तिमोर को भी आजादी मिल गई, लेकिन वो आने वाले लगभग 25 साल तक इंडोनेशिया का ही हिस्सा रहने वाला था। फिर 1999 में पुर्तगाल ने मकाऊ चीन के हवाले कर दिया। इस तरह से पुर्तगाल का ओरिएंट का 500 साल का सफर खत्म हो गया। स्पेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की युद्ध में स्पेनिश ईस्ट इंडीज यानी फिलीपींस अमेरिका के हाथ में चला गया, जिसे 1946 में आजादी दे दी गई। लेकिन फिलीपींस पर स्पेन की और भारत के गोवा पर पुर्तगाल की लगभग 400 साल की मुहर की छाप आज भी साफ साफ दिखाई देती है।